हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेस्ट साइंस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2020 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम है। इसलिए इस लॉकडाउन में हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ में सेक्शन बी और सेक्शन सी में कुछ इम्पोर्टेंट, जहाँ से आते ही आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम कौन कौन से जो टॉपिक हैं। मैं यूनिट वाइज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है एज पर आवर नॉलेज जो हमने एक्सपेक्टेड किए हैं, और कितने नंबर का कौन सी यूनिट आएगा। तो चलिए देखते हैं, यूनिट वाइज हम यहाँ पे इस वीडियो में बनाएंगे क्यों, तो सो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपका बायोकेमिस्ट्री है, जो कि लगभग एक्सपेक्टेड 32 नंबर का आना चाहिए हमारे हिसाब से, जो जून में जो पेपर होगा आपका। उसमें क्या है कि इम्पोर्टेंट जो है बायोकेमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग जो है, वंडरवाल बॉन्ड वगैरह, कोवलेंट बॉन्डिंग, इनसे इंट्रैक्शन से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। और रिएक्शन काइनेटिक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, पीएच और बफर जो है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका एक्सपेक्ट करते हैं हम। क्या आपको पता ही है ग्लाइकोलाइसिस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही उसको पढ़ना है, उसके एंजाइम्स और रेगुलेशन वगैरह ये सारा। बाकी जो एंजाइम्स काइनेटिक्स है, प्रोटीन का कैसे रेगुलेशन होता है, कौन सी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स थोड़ा सा आपको देखना है। उसके बाद आता है हमारा रामाचंद्रन प्लॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है रामाचंद्रन प्लॉट से। और ये जो क्वेश्चंस है रामाचंद्रन प्लॉट से, सेक्शन सी में एक क्वेश्चंस आता है। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन है, जो इस बार हम उम्मीद करते हैं कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिट्स ना आकर इस बार जो मेटाबॉलिज्म आएगा वो विटामिन का मेटाबॉलिज्म आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये टोटल 32 मार्क्स का हमारे हिसाब से आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल बायो की, सेल बायो में अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहाँ आपको पढ़ना है लिपिड राफ्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पढ़ना है। वहीं से आपका पास में न्यूरॉन्स और इस तरह के जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वगैरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। उसके बाद में पी टाइप पंप, के टाइप पंप, वी टाइप पंप्स वगैरह, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी सेल वाल जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से इस बार सेक्शन सी में कोई क्वेश्चन बनेगा। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को आपको प्रोटीन से लिंक कर वहाँ पर इस तरीका से इसको पढ़ना है, जो जून का जो पेपर उस हिसाब से। आई होप एक्सपेक्टेड जो सेल बायो है हमारी वो 40 नंबर की आ सकती है यहाँ पर इस बार। अगर हम बात करें प्रोक्सीसोम गेट हो, चाहे आईसीएमआर चाहे सीएसआईआर, यहाँ प्रोक्सीसोम कई बार यहाँ से क्वेश्चंस उसके एंजाइम से रिलेटेड और फंक्शन से रिलेटेड आ जाते हैं, तो प्रोक्सीसोम भी मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, ये सबको पता है आपको, CDC, CDK जो सेल डिवीजन साइक्लेज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, कुछ जीन है जो रेगुलेट करती हैं वो सारा आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में क्या है कि देखो वैसे ये टोटल 12 नंबर की लगभग एक्सपेक्ट करते हैं, कि हर कई बार 14 नंबर से या फिर मतलब 12 नंबर की आती है। अगर हम बात करें थोड़ा सा है इम्यूनोलॉजी में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंटीबॉडी जो होती है उनकी डाइवर्सिटी देखनी है आपको, किस तरह से एंटीबॉडी किस किस टाइप्स की होती हैं। MHC देखना है, MHC मॉलिक्यूल्स के बारे में, कितने MHC हैं टोटल, वो सारा उनके स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी अगर हम देखें हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटो इम्यूनिटी है, इम्यून रेस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शन। एनी इन्फेक्शन देखो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है या माइक्रोबियल जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उनसे रिलेटेड जो इम्यून रेस्पॉन्स करता है आपको वो भी पढ़ना है। बाकी यहीं से देखो ये कनेक्ट हो जाता है सेल बायो से, और अब कैंसर जो अपोप्टोसिस, ये कैंसर आपको पता है हर बार 4 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, और हो सकता है तो ये 6 नंबर का टोटल इसका जो वेटेज है 6 नंबर का आता है हर बार। और एक क्वेश्चन जो कैंसर में आएगा वो आपका 4 नंबर का आएगा, और प्लस में एक क्वेश्चन जो आएगा वो 2 नंबर का कैंसर से आएगा। अगर हम बात करें कैंसर के लिए, वहाँ से कुछ जीन वगैरह भी आएंगे कि ओंको जीन जो ट्यूमर सप्रेशन जीन होते हैं, जैसे आपका P53 है, इस तरह से हैं जो जीन है वगैरह, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी से,
तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, देखो प्लांट डेवलपमेंट हो चाहे एनिमल डेवलपमेंट, दोनों में इसको ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। अगर हम बात करें एनिमल डेवलपमेंट चाहे एज वेज प्लांट डेवलपमेंट, तो जैसे सेल फेट है, पोटेंसी, और इस तरह से सेल की पोटेंसी क्या है, सेल का फेट क्या है, सेल का लीनेज क्या है, तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट आ सकते हैं। उसके बाद में इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट, एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट है। कई बार एग के जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ लेते हैं, इस तरह से कि जो एग है उसका साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, मोजाइक है या फिर मतलब एलिस लेसिथल है, लेसिथल, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ। क्लीवेज के बारे में पता कर सकते हैं इस बार जो है। और बाकी अगर हम बात करें आई लेंस इंडक्शन और लिम डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम डेवलपमेंट वर्टिब्रेट में। वैसे लिजार्ड हैं, कई बार उसके बारे में लिम डेवलपमेंट पता कर लेते हैं वो। अब बाकी सेक्स डिटर्मिनेंट और इसके जो फैक्टर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एबीसी मॉडल, जो प्लांट में एबीसी मॉडल है, एबीसी मॉडल में आप कौन है, एबीसीडी और एबीसीडी और एबीसीई मॉडल भी है जो आजकल, वो वहाँ से पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्या पता करते हैं कि अगर हमने इस जीन को म्यूटेट कर दिया तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सेपल पेटल, पेटल सेपल, इस तरह से वो। तो एबीसी मॉडल है, ये हर बार आता है, और इस बार आई होप कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन चार नंबर का इम्पोर्टेंट जो आएगा। देखो आपको टोटल लगभग 35 क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से आप सेक्शन सी में तैयार करते हैं अपने अपनी यूनिट के रेस्पेक्टिव यूनिट वाइज, तो उनमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आप 75 की तैयारी ना कर कर अगर 35 क्वेश्चन की भी तैयारी करते हो, उनमें से अगर 25 आप अटेम्प्ट करते आते हो, तो आई होप कि आपके 22 क्वेश्चन तो सही हो जाने चाहिए इन जो टॉपिक्स रिलेवेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ से। अगर हम बात करें नेक्स्ट मॉलिकुलर बायोलॉजी की, मॉलिकुलर बायोलॉजी में क्या है, डीएनए डैमेज रिपेयर, डीएनए रेप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के टाइम पे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका रोल क्या है, ये है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन के इनहिबिटर कौन कौन से हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन का इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन है, लैक ऑपेरेन वगैरह आएंगे यहाँ से, और ट्रिप्टोफैन ऑपेरेन है या फिर हिस्टिडीन ऑपेरेन, इस तरह से। हिस्टिडीन तो खैर नहीं आता, जनरली लैक ऑपेरेन से एक क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का रेगुलेशन आ सकता है, चाहे वो जीन से रिलेटेड आए चाहे उसके ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड आ सकता है। और एक यहाँ पे मेरे से मिस हो गया है वो आरएनए प्रोसेसिंग जो है, आरएनए प्रोसेसिंग में बहुत ही मतलब ये इम्पोर्टेंट वो भी है। अगर हम डीएनए डैमेज और रिपेयर की बात करें, तो यहाँ पर आपको इस तरह से पढ़ना है कि प्यूरीन बेस पेयर, पायरिमिडीन बेस पेयर म्यूटेंट होते तब क्या है, मतलब इतनी वहाँ जाकर पढ़ना है आपको। अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो हमारा है, वो प्लांट फिजियो है। टोटल जो नंबर की अगर हम बात करें, तो मेरे हिसाब से इस बार जो वेटेज है, मैं जो अपनी तरफ से दे रहा हूँ इनको, 36 नंबर का आ सकते हैं क्वेश्चंस, जिनमें से कम भी आपका 36 को भी अगर हम डिवाइड करें तो 16+20 मतलब 5×4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क करके, बाकी जो 8 क्वेश्चन जो इस तरह से मतलब यहाँ पर बन सकते हैं 2 नंबर के बनेंगे यहाँ से। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन 100% एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ से आएगा, किसी कीमत पे भी ऐसा नहीं हो सकता ना आए। और इनहिबिटर में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो 6 नंबर का टोटल यहीं से आ जाएगा। और रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स इन क्रैब साइकिल हर बार आता है, सीएसआर का वन ऑफ द फेवरेट क्रैब साइकिल। नोड और निफ जीन होती हैं एट द टाइम ऑफ द माइंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नोड जीन निफ जीन क्या होती हैं, ये सारा है। फिजियोलॉजिकल रोल एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो ऑक्सीजन जिबरेलिन और एथाइलिन के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है, इनके फंक्शन क्या हैं, और कौन सा इनकी प्रिकर्सर होता है वो आपको याद करना है। बाकी इनके सिग्नलिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, हो सकता वैसे वो जनरली वो फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन पता कर सकते हैं, मेरे जो अंदाजा है हिसाब है एक्सपेक्ट करता हूँ मैं जो इस बार। फोटोपीरियोडिज्म और फाइटोक्रोम इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में टर्पीन्स फिनोलिक्स आएंगे ओनली, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स वगैरह नहीं आते, खासकर टर्पीन्स है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आपको ना रोल पता करना है कि क्या मतलब उसका रोल होता है और कैसे वो बनते हैं। और अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें एनिमल फिजियोलॉजी,
नेक्स्ट हमारा जो एनिमल फिजियो है, देखो मुझे इसके बारे में, मैं एनिमल फिजियो पढ़ाता नहीं हूँ, तो मेरे बेस पे जो मैंने अपने फैकल्टी दूसरी उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हीमोग्लोबिन, हीमोस्टेटिस, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ कार्डिक साइकिल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस कंट्रोल, हार्मोन एक्शन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ये सब इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम जेनेटिक्स। आप सबको पता है जेनेटिक्स लगभग 40 नंबर की जेनेटिक्स आएगी इस बार। और अगर हम बात करें जेनेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा उम्मीद है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, पेनिट्रेंट्स, एक्सप्रेविटी, लिंकेज, लिंकेज मैप, क्रॉसिंग ओवर, मैप डिस्टेंस, टेटर्ड एनालिसिस, और ये ज़रूर आएगा 100% सिंटेनी टेस्ट। मेरी एक वीडियो आने वाली है अभी सिंटेनी टेस्ट के ऊपर आपको ने, और जो टेट्राइड एनालिसिस और कम्प्लीमेंट्री इनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपने 5 सेकंड के अंदर आंसर दे दे हुआ, क्योंकि कहाँ कहाँ कौन सी जीन क्या होता है सारा कुछ, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद में पेडिग्री, हर बार आपको पता है कई बार 2 नंबर में आ जाता है, कई बार 4 नंबर में आ सकता है, इस बार हो सकता है 4 नंबर में आए, बट वो डायरेक्ट एक पेडिग्री से एक क्वेश्चन आता ही आता हर बार। अल्टरनेशन ऑफ क्रोमोसोम मतलब म्यूटेशन वगैरह है, अबरेशन, डिलीटेशन, डुप्लीकेशन वगैरह, यहाँ से क्रोमोसोम है, और एसिड एलिमेंट, डीसी एलिमेंट, ये जो हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ये वगैरह आएंगे, बर्बरा मैकक्लिंटॉक वाले जो भी वो डिस्कवरी थी, तो ये जेनेटिक्स है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आप टोटल 10 या 12 यूनिट याद करो या फिर उसकी प्रिपरेशन करो, आप मेरे हिसाब से 6 से 7 यूनिट आप ले सकते हो और वहीं से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट 12 या 13 या 10 यूनिट की तैयारी करता है मे भी उस वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और फिर उसका वो कुछ होता भी नहीं है, खासकर मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, सॉरी इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, देखो इकोलॉजी और इवोल्यूशन मैंने जो चेक किया है कई बार 70 और 65 नंबर के बीच में आता है अगर हम बात करें, तो टोटल जो यूनिट है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, आपको भी पता है। और अगर हम इसकी बात करें इकोलॉजी की, मैं वेटेज इकोलॉजी को ज़्यादा दूंगा, लगभग 40 नंबर की आ सकती है और यहाँ से ये 34 नंबर की आ सकता है इवोल्यूशन। अगर हम इकोलॉजी में बात करें तो हमारा हैबिटेट और निक्स, फंडामेंटल रिलायंस वगैरह ये आ सकते हैं, और जो आएंगे ही आएंगे 100% ऐसा नहीं है, और ट्रॉपिकल लेवल आ सकते हैं बोट। उसके बाद में इकोलॉजिकल पिरामिड से बायोम्स, इकोलॉजी में आपको करना क्या होता है एक्चुअली, जो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है इकोलॉजी की, जो टर्मिनोलॉजी है उसको आपको ध्यान से समझना है बस, और उस इन्हीं टर्मिनोलॉजी के बेस पे आपको इंटरेक्शन करना होता है इन्वायरमेंट के साथ में या फिर लिविंग सिस्टम के साथ में, और आपका क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। देखो बायोम्स आप देख सकते हो, पॉपुलेशन ग्रोथ और रेगुलेशन, एक्सपोनेंशियल कर्व वगैरह, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, और आर सिलेक्शन, के सिलेक्शन, स्पीसी डाइवर्सिटी, आइलैंड बायोजियोग्राफी, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, और लोट का वोल्टर मॉडल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आ सकता है। और अगर हम बात करें दूसरा है मॉडल ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के ऊपर मेरा नीचे ना एक कल एक वीडियो या फिर आज ही एक वीडियो आ जाएगी, और मैंने बना लिया वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मेरे सक्सेशन के ऊपर है। उसके बाद में थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और मेटिंग बिहेवियर है, इसको आप एनिमल बिहेवियर बोलते हैं, उसमें इम्प्रीटिंग वगैरह ये आएगा, अल्ट्रिस्ट बिहेवियर वगैरह। और अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन में क्या है कि डार्विन और लेमार्किज में से इस बार जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो डार्विन वाले जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम देखें एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन, मॉडल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अडेप्टिव रेडिएशन, हार्डी विंगवर इक्वेशन, 100% एक क्वेश्चन आएगा हार्डी विंगवर इक्वेशन, जो न्यूमेरिकल के बेस पे एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद इसके 5 आप फैक्टर आजकल कर लेना, म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह। इसके बाद स्पेसिएशन है, क्लेडोजेनेसिस है, और फाइलोजेनेटिक ट्री, तो ये सारे टोटल अगर हम बात करें 64 के मेरे हिसाब से 64 आना चाहिए। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद, अगर पसंद आई है तो
इस मेरे चैनल है जो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हो सके तो किसी दूसरे ग्रुप हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे नीचे ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप हमारे ग्रुप को चेक भी कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।